हेलो दोस्तों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डीएक्सी टेक्नोलॉजी ज्वाइनिंग फॉर्म के बारे में। जो पहली बार एम्प्लॉय डीएक्सी टेक्नोलॉजी में जब ज्वाइन करता है तो एक फॉर्म दिया जाता है, ज्वाइनिंग फॉर्म। तो हम बात करेंगे कि कैसे इसको फिल करना है, क्योंकि जो भी पहली बार एम्प्लॉय किसी कंपनी में जाता है तो एक ज्वाइनिंग फॉर्म दिया जाता है। तो बहुत सारे एम्प्लॉय को पता नहीं चलता है कि यहाँ किस प्रकार से इसको भरना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ज्वाइनिंग फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो ये जो ज्वाइनिंग फॉर्म दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पर भरना है, जैसे कि फुल नेम आपको यहाँ पर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आपका मैरिटल स्टेटस भरना है कि मैरिड है कि अनमैरिड है। तो इसका एक सैम्पल पेपर आपको दिखाना चाहूँगा, जिसके आधार पर आप जो है जल्दी से इसको भर सकते हैं। ये देखिए, ये एक सैम्पल पेपर है एक ज्वाइनिंग फॉर्म का, जिसमें क्या है कि आपका जो नाम दिया हुआ है इस पर आधार, जो आधार दिया हुआ रहता है आपका, उस पर नाम होगा, उसी पे उसी की तरह आपको यहाँ पर क्या करना है, नाम भरना है, फिर जेंडर, फिर उसके बाद मैरिटल। इसी सैंपल फॉर्म के आधार पर जो है आप ज्वाइनिंग फॉर्म को भरेंगे। देखिए यहाँ पर एक्चुअल डेट आपको क्या है, ज्वाइनिंग डेट, डेट ऑफ बर्थ आप क्या है, ठीक है, कैंडिडेट का जो आपको आईडी मिलेगा उसको यहाँ पर भरना है, फिर उसके बाद नेशनलिटी आपको मेंशन करना है, ईमेल एड्रेस आपको भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, प्रेजेंट एड्रेस भरना है, जो आप जहाँ पर भी अभी प्रेजेंट होंगे उसका एड्रेस भरना है, फिर आपको परमानेंट एड्रेस भी भरना है। उसी तरह फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद आपको अगर आप फीमेल हैं, आपका हस्बैंड है, तो फिर आप वहाँ पर अपने हस्बैंड का भी नाम दे सकते हैं। आपका डीएक्सी जॉब टाइटल आपको जो मिला होगा डेजिग्नेशन ऑफर लेटर में, वहां से आपको निकालना है, ठीक है। जो ऑफर लेटर में आपका डेजिग्नेशन होगा वही आपको यहां पर भरना है। उसके बाद गवर्नमेंट में आपको आधार नंबर आपको यहां पर भरना है, फिर पैन कार्ड का नंबर भरना है, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या पासवर्ड है, जो भी यहाँ पर आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए कहाँ पर दो कम से कम देना चाहिए, तो सबसे पहले आप अपना प्राइमरी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अपना घर को दे दीजिए, सेकेंडरी आपका अपना दोस्त या फिर कोई भाई को अपना यहाँ पर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा चीज़ जो है होम एड्रेस से लेकर ईमेल एड्रेस तक आपको दो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को देना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे नॉमिनेशन के लिए आता है। नॉमिनेशन आप अपने किसी को भी ले सकते हैं, फादर को भी ले सकते हैं, मदर को भी ले सकते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट अगर आप 50-50% का अगर देते हैं या फिर 100% एक ही को बना देना चाहते हैं नॉमिनी को, अगर सिर्फ फादर को लेते हैं या फिर आप फादर और मम्मी दोनों को लेते हैं, ऑप्शनल है नॉमिनी टू, लेकिन एटलीस्ट वन आपको भरना ही होगा, ठीक है। जो सैंपल पेपर में दिख रहा है देखें आप, उसी तरह आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो बताना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ बताना है, एज बताना है, कितना परसेंट आप उनको नॉमिनी, सिंगल नॉमिनी आप अगर दे रहे हैं तो फिर 100% देना होगा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो मल्टीपल नॉमिनेटेड तो डिस्ट्रीब्यूट 100% को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, नीचे आके अपना ज्वाइनिंग लोकेशन, जो भी ज्वाइनिंग लोकेशन ऑफर लेटर में मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपका ज्वाइनिंग लोकेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग डेट, आप जो आप जिस दिन भर रहे हैं फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, जो कि इंसर्ट योर सिग्नेचर, आप दो तरह का सिग्नेचर यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर जो है आप यहाँ क्या कहता है लिखने का जो होता है यहाँ से, अगर आप यहां से साइन एंड सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स यहां से भी आप सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं। दूसरा है एड सिग्नेचर करके यहां पर भी लगा सकते हैं, अन्यथा आप जो क्या करेंगे कि आप अपना एक सेकेंड, यहां पेन जरूरत नहीं है इस चीज की, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप एड ऑफ रीडर से ही सिग्नेचर मेंशन कर दीजिए, या फिर आपको डिजिटल सिग्नेचर का एक ऑप्शन आएगा जो क्लिक करने पर जो है क्या डिजिटल सिग्नेचर को लेके जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल सिग्नेचर भी कैसे किया जा सकता है। तीसरा मेथड है कि आप इसको पूरा फॉर्म को भर लीजिए, पूरा तरह से फॉर्म को भर लीजिए ऊपर से नीचे तक, जो भी मैंने सैंपल पेपर में दिखा रहा हूँ उसको भरने के बाद क्या कर लीजिए, इसको आप सेव एज करके रख लीजिए या फिर प्रिंट कर लीजिए, इसको प्रिंट करके आप उसको माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ में आप इसको प्रिंट करके रख लीजिए, और उसके बाद इसको प्रिंट करने के बाद उसको प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद तो आप क्या कीजिए, मैन्युअली सिग्नेचर कर लीजिए अपने हाथों से, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो तीन तरह के, या फिर आप एडोब रीडर का मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा है आप यहाँ पर क्या डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं, और तीसरा है जो है आप इसको क्या कीजिए प्रिंट आउट निकाल के फिर जो है अपना हाथ से आप इसको सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्वमेंट फॉर्म जो है आपको कैसे भरना है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है नेम, आधार, जेंडर वगैरह सारा चीज़, नॉमिनी का बता सकते हैं, नॉमिनी का एड्रेस बता सकते हैं, फिर नॉमिनी का रिलेशनशिप क्या है, फिर वो जो ऊपर नॉमिनी का दिया हुआ था क्या आप 100% सिंगल को दे रहे हैं, वही चीज़ फिर सेम क्या करेंगे आप क्या करेंगे, जैसे ये एक तरह से फॉर्म है कि अगर आप कुछ ऊपर भी भरते तो नीचे भी ऑटोमेटिक भी भरना शुरू कर देता है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है कि आप एक बार नाम ऊपर लिखें अपना नाम तो फिर नीचे भी आपको दूसरा बार फिर से लिखना होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अपना ऊपर नाम कहीं पर भी मेंशन करते हैं तो वो क्या ऑटोमेटिक क्या करेगा नीचे भी आपको फिलअप करते रहेगा, फिर आपको क्या करना है सिर्फ चेक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टिक एसेस करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, फिर उसका जॉइनिंग लोकेशन जो आप ऊपर भरे होंगे कहीं ना कहीं वो क्या होगा नीचे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये फिलअप हो जाएगा, ये भी फिलअप होगा, आपको चेक करना है बस कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद प्लेस योर सिग्नेचर हियर, आप यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर भी आपका डिजिटल सिग्नेचर का भी मेथड होगा आपका, या फिर आप जो एडोब रीडर से भी कर सकते हैं। तीसरा जो है आपका मैनुअली इसको प्रिंट आउट निकाल के कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका नॉमिनेशन जो भी आपने अगर दिया होगा तो वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, आपको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, ये भी आपका आ जाएगा। दूसरा क्या है आपको चेक कर लेना है कि आपको कहाँ पर है। ठीक है, एक्चुअल डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको भरना है जो कि आपका मेंशन होगा इसमें, ज्वाइनिंग लेटर ऑफर लेटर में मेंशन होगा आपको, ज्वाइनिंग डेट आपको वहाँ दिया होगा, आपको वह करना है। फिर प्रेजेंट होम में एड्रेस आपको देना है, उसके बाद आपका जो नॉमिनी का डिटेल्स भरना वो अपने आप ऊपर से ही आ जाएगा, आप ऊपर जितना भी फॉर्म फिलअप करेंगे वो नीचे ऑटोमेटिक फिलअप किया हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आपका लोकेशन वगैरह जो है ऊपर से ही फिलअप होते हुए आएगा। फिर ये जो है एम्प्लॉयर के लिए है, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद नीचे आते हैं नेमेस पर आधार जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आप एक बार अगर डिजिटल सिग्नेचर अगर मेंशन कर देते हैं तो ये भी यहाँ पर सिग्नेचर मेंशन क्या हुआ दिखेगा। फॉर्म एक फॉर्म डेट जो फिलिंग डेट अगर ऊपर आप कहीं पर भरते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखेगा और आपका नाम भी ऑटोमेटिक दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपका दूसरा है, यहाँ पर दूसरा आपको कंपनी एम्प्लॉय कॉपी रखना है, सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है सैंपल पेपर में, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर जैसे भरेंगे नीचे भी अपने आप से आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो भी है प्लेस योर सिग्नेचर हियर, नेम इज पर आधार, फॉर्म फिलिंग डेट, उसके बाद मैनेजर, यहाँ पर खुद ब खुद ये भी फिलअप हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको 18 पेज का दिया हुआ रहता है, जो भी है 18 या 21 पेज का जो भी दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, वो सबको कुछ नहीं करना है, बस आपको भरते जाना है। ये रहा, ये कुछ अंडरटेकिंग फिनिश कॉपी रिलीविंग लेटर, अगर रिलीविंग करते हैं तो आपको आपको देना है रिलीविंग लेटर कि आप पहले कहीं काम करते थे और फिर आपने उसको इतना तारीख को छोड़ा है, फिर उसके बाद फुल सेटलमेंट हो चुका है, वो सारा चीज़ भरना है। फिर आपको ऐसे इतना दिया नहीं जाता है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी फॉर्म सारा चीज़ दिया हुआ है। तो ये सारा फॉर्म है, आपको बस मिल जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, आप एक बार भरेंगे तो आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि क्या क्या भरना है। ठीक है, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का है जिसमें आपको फॉर्म नंबर 11 है, इसको देख के अच्छे से भरना है आपको। ये जो फॉर्म भरेंगे ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होगा कि आप PF वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान से भरना है। इसमें जो भी मैं यहाँ पर जो सैंपल पेपर दिखा रहा हूँ इसको यहाँ से ध्यान से आपको भरना है। ठीक है, ये उतना छोड़ देना है, ये 19 पेज नंबर है, उसके बाद ये सारा चीज़ छोड़ देना है। ठीक है, 19, 20, 21 आपको छोड़ देना है, जो PF का फॉर्म है बस उसको भरना है, और ये वाला जो है अपने आप भर्ती हो जाएगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा बस डिक्लेरेशन फॉर्म में। तो ये रहा सैंपल, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के रूप में हम अपना डॉक्यूमेंट जो मैं भरा हूँ अपने से, वो अपना डॉक्यूमेंट में जो ज्वाइन किया था तो मैं ज्वाइनिंग फॉर्म अपना भरा था, तो मैं अब दिखाना चाहूँगा कि मैं अपना ज्वाइनिंग फॉर्म, ये मेरा ज्वाइनिंग फॉर्म है जो कि स्कैन किया हुआ है। मैं एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा डिजिटल सिग्नेचर काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने क्या किया था कि मैंने सारे फॉर्म को भरा, देखिए मेरा नाम यहाँ पर आ रहा होगा, और सारा चीज़ मैंने इसको यहाँ पर अपने से भरा, और भरने के बाद क्या किया
ये मेरा भर दिया था मैंने सारा चीज, मैं दोस्त उसका नाम, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नॉमिनी मैं अपने पिताजी का भरा था, फिर उसके बाद अम्मी का भी मैंने दिया था, तो 50-50% करके मैंने नॉमिनी दिया था। फिर उसके बाद मैं क्या किया था कि मैनुअली सिग्नेचर किया था मैंने, ठीक है, मैं मैनुअली सिग्नेचर किया था। मेरा लोकेशन बेंगलोर था और 17 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी दिसंबर में, तो ये मैनुअली मैंने सिग्नेचर इसलिए किया था क्योंकि मेरा डिजिटल फॉर्म का सिग्नेचर काम नहीं कर रहा था, तो इसकी वजह से मैंने क्या किया था, सारा फॉर्म को भरने के बाद फिर इसको प्रिंट आउट किया और करने के बाद फिर मैंने मैनुअली सिग्नेचर अपने से कर लिया। फिर उसके बाद आप देखिए फॉर्म ऊपर जैसे भरते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक भर जाता है, ठीक है, आपको बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, ठीक है, ये मेरा फॉर्म है। और नीचे आते जाते हैं तो देखिए मेरा सिग्नेचर मैनुअली दिया हुआ है, ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये फुल ऑटोमेटिक आपका जो है ऊपर से नीचे खुद ब खुद आ जाएगा। ये आपका जो है डिसीजन 50% मदर एंड सेलेक्ट कर लीजिए जो प्रायोरिटी के रूप में है इफ में। उसके बाद आपका ये नाम वगैरह सारा चीज़ जो कितना तारीख को आपने ज्वाइनिंग किया, उसके बाद नॉमिनी का जो डिटेल्स है पूरा तरह से लिखना है, और फिर उसके बाद अपना जो सिग्नेचर है वहाँ पर आपको मेंशन करना है, जो डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं और मैनुअली भी। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं जो मैंने देखा, देखिए ये नाम मेरा ऊपर से ही आ रहा है, फिर मैंने मैनुअली सिग्नेचर के लिए और डेट अपने आप ऊपर से ले रहा है, ठीक है, जो मैंने भरा था ऊपर में। फिर उसके बाद आप नीचे आइए, फिर उसी तरह नीचे आते जाइए, सब कुछ क्रॉस चेक करते रहिए कि सही है कि नहीं सब कुछ, यहाँ पर डेट वगैरह नाम और सिग्नेचर हो गया। डिक्लेरेशन में देखिए आपका यह हो गया है, फिर उसके बाद जो है ये मैंने मैनेजर जो ह्यूमन रिसोर्स अंडरटेकिंग फर्निशिंग रिलीविंग लेटर, मैं कहीं पर काम ही नहीं करता था तो इसकी वजह से रिलीविंग लेटर मैंने कहीं लिखा ही नहीं, इसको छोड़ दिया मैंने खाली, बस सिग्नेचर करना ज़रूरी है, जहाँ पर एम्प्लॉय का सिग्नेचर आएगा वहाँ करना ज़रूरी है एम्प्लॉयर को, बस सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद अब मैंने जो यहाँ पर कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन से न्यू एम्प्लॉयर आईडी कार्ड एक्सेस के लिए मैंने जो फॉर्म था वो ऑटोमेटिक ऊपर से नाम ले लिया, फिर मैंने क्या किया रेगुलर में टिक नहीं लगाया था, रेगुलर मैंने टिक लगा दिया, लेकिन लगाना चाहिए ऊपर से ही, मैंने मैनुअली टिक लगा लिया था। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल बेंगलोर, आपको यहाँ पर देख देख के ये आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस यूनिट एंटिटी जो है आपको ये भरना है। फिर उसके बाद जो है सारा चीज़ भरने के बाद पेमेंट ग्रेजुएटी आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम ले लेगा। उसके बाद नीचे आते जाइए, फिर वो आपका वही ग्रेजुएटी फॉर्म वगैरह नॉमिनी का फॉर्म दिखेगा, स्टेटमेंट आपका। आप देखिए यहाँ पर मेरा जो श्रीनो इवेनी जो पोस्ट वगैरह था वो मैंने यहाँ पर भरा है, ये आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एसोसिएशन प्रोसेस एप्लीकेशन डिलीवरी। उसके बाद यहाँ पर जो है साइन कर दिया, फिर यहाँ पर भी मैंने देखा है तो सारा चीज़ यहाँ पर जो है आपका फॉर्म नंबर 2 आ गया, जिसमें मैंने बोला कि पीएफ वगैरह का भी आता है इसमें, तो ये देख सकते हैं पूरा। फिर सिग्नेचर कर दिया, जहाँ जहाँ आपका सिग्नेचर की ज़रूरत है एम्प्लॉय का वो सिग्नेचर आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा सैंपल पेपर है, ये देखिए प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट, इसको ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसके लिए, जॉब के लिए। तो ये देखिए आपका ऊपर से ही वो आ गया डिटेल्स। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका बैंक का कोई एड्रेस होगा तो बैंक भी भर सकते हैं, अन्यथा जो आपका ज्वाइनिंग होने के बाद जो है ना अंदर से ही जो है जहाँ पर पेमेंट वेमेंट करने के लिए आएगा वो एक अपने से जो है वो ले लेगा, आपको एक मैसेज करेगा कि अपना खाता को अपडेट कीजिए, तो वहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा, अलग से आता है उसके लिए। तो ये वाला जो है ये टेम्प्रोरी मैंने अभी खाता नंबर दिया है, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब आपका ज्वाइनिंग कम्प्लीटली हो जाएगा तो एक आईडी क्रिएट होगा आपका, जिसमें पेमेंट वगैरह आपका आएगा आप सारा चीज़, तो वहाँ पर अपना जो है ऐड करना है पूरा बैंक को। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म नंबर 1 जो है डिक्लेरेशन के लिए जो भी मैंशन किया था वो अपने आप ऑटोमेटिक फिलअप हो गया। तो ये था मेरा कितना पेज का था, 20 पेज का था, 21 पेज वगैरह का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो ये रहा जो ज्वाइनिंग फॉर्म करने का तरीका, मैंने आपको पूरा बता दिया सारा चीज़, तो इसको देख के भी आप जो है कहीं ना कहीं हिंट्स लेके आप इसको भी क्या कर सकते हैं, अपना ज्वाइनिंग फॉर्म भर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।